बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी कंप्यूटर की मैम हाशिया बात कर रही हूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज थमियारा रावलपिंडी से। आज हम चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे। चैप्टर वन हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग इन सी। इसका फर्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं कंप्यूटर के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि कंप्यूटर जस्ट एक मशीन है। कंप्यूटर खुद से कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें जो है वो उसका रिजल्ट निकाल कर प्रोवाइड नहीं कर सकता। कंप्यूटर को हमने कोई भी उसे टास्क परफॉर्म करवाना हो तो उसके लिए हमें उसे स्टेप्स बताने पड़ते हैं कि इस अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को तुम्हें सॉल्व करने के ये स्टेप्स फॉलो करने। यानी कि वो जस्ट मशीन है, उससे काम निकलवाने के लिए करवाने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोग्राम कहते हैं। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं किसी भी एक लैंग्वेज में, और वो लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, और उस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखकर कंप्यूटर के अंदर जो है वो एज अ एप्लीकेशन के तौर पर रख दिए जाते हैं। और फिर कोई भी प्रॉब्लम जब कंप्यूटर को दी जाती है तो कंप्यूटर उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालकर हमें रिजल्ट जो है वो उसका प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट हम बात करें कंप्यूटर प्रोग्राम। व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम? कंप्यूटर प्रोग्राम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं कंप्यूटर को कहती हूं कि मुझे 2+3 करके दो, यानी कि दो नंबर्स को ऐड करके दो, यानी कि 2+3=5। हमें मैथमेटिकली पता है, लेकिन कंप्यूटर जस्ट मशीन है, उसको खुद से इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि 2+3 को कैसे 2 और 3 को प्लस करना है और कैसे जो है इसका रिजल्ट 5 प्रोड्यूस करना है। तो मैं क्या करूंगी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दूंगी। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब सबसे पहले मैं उससे कहूंगी कि दो नंबर यूजर से ले लो, 2 और 3। देन उसके बाद ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या हो गया, प्लस का। उसके बाद मैंने उसे कहना है कि 2+3 यानी कि 2 और 3 को ऐड कर लो, इसका रिजल्ट 5 कैलकुलेट होगा, और 5 को क्या कर देना, यूजर को डिस्प्ले कर देना। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिनको एल्गोरिदम कहते हैं। हम जैसे आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि एल्गोरिदम क्या होता है, कि आप सिंपल कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं उन्हें सीक्वेंस में लिख लेते हैं, उन स्टेप्स को एल्गोरिदम कहते हैं। उस एल्गोरिदम की फिर एक डायग्राम बना ली जाती है जिसको ग्राफिकल फॉर्म में, जिसको फ्लो चार्ट कहते हैं। और फिर इसके बाद जो है वो किसी भी कंप्यूटर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए इस इन सारी इंस्ट्रक्शंस को ना एक लैंग्वेज में लिख दिया जाता है, और उस प्रोग्राम को जो है वो आपके पास क्या होता है कि कंप्यूटर उसको फॉलो करते हुए कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लेता है। सबसे पहले आता है आपके पास किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम लिखा जाता है, एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट बना जाता है, और फिर उसी को जो है वो एक प्रोग्राम यानी कि कोडिंग की जाती है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हुए, और उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं उनको कंप्यूटर एज इट इज फॉलो करता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब इसमें मेन जो दो चीजें हैं, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हुए दो चीजों को जो वो मेन माइंड में रखा जाता है, एक है सिंटैक्स, दूसरा है सिमेंटिक। अब सिंटैक्स और सिमेंटिक क्या होते हैं, सबसे पहले हम देख सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स बेसिकली रूल होते हैं जिन रूल्स को फॉलो करते हुए आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखते हो। अगर इस रूल में जरा सा भी आप कोई मिस्टेक करते हो तो आपके पास क्या होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम का जो वो एरर आ जाएगा और कंप्यूटर उसको जब वो अपने सिस्टम के अंदर जब उसको इंप्लीमेंट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इस एग्जांपल की बात करूं तो यहां पर देखें सेमी कॉलन लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें जब हम कोई भी कोड लिखते हैं तो उसमें हर स्टेटमेंट के, हर इंस्ट्रक्शन के एंड में हमें सेमी कॉलन लाजमी लगाना होता है। अगर ये मैं सेमी कॉलन नहीं लगाऊंगी तो मेरा जो भी ट्रांसलेटर होगा या जो भी कंपाइलर वगैरह वो एरर जनरेट करेगा। तो बेसिकली सिंटैक्स क्या है कि आप जब भी किसी भी एल्गोरिदम को आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हुए कोड में कन्वर्ट करते हो तो उसके बकायदा एक, जैसे आपके पास मैथमेटिकली फार्मूला होता है, मैथमेटिकल फार्मूला होता है आप किसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर आप मैथमेटिकल फार्मूला में कोई भी मिस्टेक करते हो तो आपके पास आंसर जो है वो रॉन्ग निकलता है। तो मैथमेटिकल फार्मूले को आप बिल्कुल करेक्ट यूज करना होता है। इसी तरह जब आप प्रोग्राम की कोडिंग होती है तो प्रोग्राम की कोडिंग करते हुए उसके जो स्टेप्स होते हैं उनको एक रूल्स के मुताबिक लिखा जाता है और उन रूल्स को कहा जाता है सिंटैक्स। अगर उसमें मिस्टेक करते हैं तो आपके पास प्रोग्राम जो है वो, कंप्यूटर जो है वो एरर जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल देखिए, वेरिएबल इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, ये एक आपके पास सिंटैक्स गिवन है। जब भी आपने वेरिएबल के इक्वल को एक्सप्रेशन लिखना तो उसकी आपने यही स्टेटमेंट लिखनी। कभी भी आपने ऐसा नहीं लिखना कि एक्सप्रेशन इक्वल्स टू वेरिएबल, अगर सेमी कॉलन स्किप कर देंगे तो भी एरर जनरेट हो जाएगा, अगर आप एक्सप्रेशन इक्वल्स टू वेरिएबल कर देंगे तो भी एरर जनरेट होगा। जिस तरह से सीक्वेंस दिया हुआ है किसी चीज को असाइन करने का, उसी सीक्वेंस को आपने एज इट इज फॉलो करना है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो वो कंप्यूटर एरर जनरेट करेगा। नेक्स्ट हम बात करें सिमेंटिक की। तो सिमेंटिक आपके पास बेसिकली क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट होती है उसको एक मीनिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे कि आपके पास
एक वो एग्जांपल अगेन से रिपीट हुई, अब उसमें हमारे पास थोड़े से वेरिएबल हमने यूज कर लिए हैं, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब मुझे इस चीज का पता है कि मैंने ए और बी दो नंबर्स हैं, उन दोनों को ऐड करना है और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो सम में सेव कर देना है। लेकिन कंप्यूटर जस्ट मशीन है, वो खुद से नहीं समझ सकती कि मैंने क्या करना है, कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो कंप्यूटर के जो स्टेप्स होते हैं, जो उसको स्टेप्स बताने होते हैं, उनको सिमेंटिक कहते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाएगी कि ए प्लस बी को सबसे पहले उस ए और बी को उसने ऐड करना है, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसने उस रिजल्ट को सम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना है। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है कि हम कोई भी, जैसे कि हम मैथ्स में हम सपोज करते हैं एक्स इक्वल्स टू वन, वाई इक्वल्स टू टू, इसी तरह यहां पर हम जो एक नाम लिखते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं और उस वेरिएबल के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। जैसे मैथ्स में कोई भी वेरिएबल लेकर उसके अंदर 1, 2, 3 वैल्यू स्टोर करते हैं। तो सिमेंटिक बेसिक क्या होते हैं कि स्टेप्स होते हैं, जिन स्टेप्स को कंप्यूटर ने फॉलो करना होता है कि किसी ऑपरेशन को सॉल्व कैसे करना है। सिमेंटिक्स क्या है, बेसिकली कोड लिखने का के जो है वो आपके पास रूल्स हैं, और सिमेंटिक क्या है, कोई भी आपके पास ऑपरेशन गिवन है उस ऑपरेशन को किस सीक्वेंस में सॉल्व करना है, ये सिमेंटिक है। नेक्स्ट हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। अभी हमने बात की है कि कंप्यूटर में जो है वो प्रोग्राम लिखे जाते हैं और वो प्रोग्राम जो है वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए लिखे जाते हैं। तो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिटेल्स पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली होती हैं क्या। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। हम जो बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर मशीन है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, तो कंप्यूटर जो है वो के लिए एक प्रोग्राम, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है जिसको वो अंडरस्टैंड करता है। वो बहुत सारी टाइप्स हम थोड़े से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या होता है कि बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, हम कोई सेटअप इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे देते हैं और कंप्यूटर फिर उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हुए हमें उसका रिजल्ट जो स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करके उसको सॉल्यूशन जो हमें प्रोवाइड कर देता है। और इससे क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हुए हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं और प्रोग्राम्स फिर हमारे प्रॉब्लम्स को, जो हमारे स्पेसिफिक जो टास्क होते हैं उनको सॉल्व करता है। अगर हम मेन कैटेगरीज की बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मेन कैटेगरीज दो हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। मेन दो कैटेगरीज है, मजीद इनकी बहुत सारे डिवीजन है। मेन जो है वो लो लेवल है और हाई लेवल है। अगर हम लो लेवल की बात करें तो कंप्यूटर हमारे पास एक जस्ट मशीन है, हमारे पास ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, यानी कि 0-1 कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है सिर्फ 0 और 1। 0 मीन ऑफ, 1 मीन ऑन। कंप्यूटर इसके अलावा और किसी भी हमारे कुछ भी वर्ड को अंडरस्टैंड नहीं करता, ना मैथमेटिकल किसी बात को भी अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है सिर्फ 0 और 1 को। हम जो भी लिखते हैं वो हमें हमारे लिए अंडरस्टैंडेबिलिटी वाला के लिए होता है, लेकिन कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, तो उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। और कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है डायरेक्टली, वो है मशीन लैंग्वेज। तो हम बात करें कि मशीन लैंग्वेज में हमारे पास डायरेक्टली हम कोड नहीं लिख सकते, क्योंकि हम 0-1 की लैंग्वेज को हम नहीं समझते। तो हमारे पास सबसे पहले अगर मैं लो लेवल लैंग्वेज की बात करूं तो लो लेवल में हमारे पास दो लैंग्वेजेस आ जाती हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। और ये इन में अगर किसी ने कोडिंग करनी हो, किसी भी प्रोग्रामर ने, तो उसको इनकी डिटेल उसका नॉलेज होगा तो ही लिख पाएगा। अदरवाइज आपको पता है आजकल कंप्यूटर जो है वो किसी के पास, अगर कंप्यूटर कहते हैं डिटेल नॉलेज नहीं वो भी यूज कर रहा है, और इसके पास डिटेल नॉलेज है वो भी यूज कर रहा है। लेकिन मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को सिर्फ वही यूज कर सकते हैं जिनके पास डिटेल नॉलेज है कि 0 किसके इक्वल है, 1 किसके इक्वल करना है। सिर्फ जो है वो कंप्यूटर जो प्रोग्रामर्स वही अंडरस्टैंड करते हैं जिनके पास इसका डिटेल नॉलेज है। अब अगर हम मशीन लैंग्वेज की बात करें और असेंबली लैंग्वेज की बात करें, तो मशीन लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर अंडरस्टैंड करता है, और वो किस पे एग्जिस्ट करता है, 0 और 1 पे। इसके अलावा और किसी डिजिट पे या किसी अल्फाबेट पे डिपेंड नहीं करता, जस्ट 0 और 1 पे करता है। अब अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप अप है, कि इसमें थोड़ा सा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल सिंबॉलिक एब्रीवेशंस यूज हो रही है, और एब्रीवेशंस को मिनिमोनिक्स कहते हैं। अब जाहिर सी बात है थोड़ा सा ह्यूमन के कोड वगैरह इसमें ऐड हो रहे हैं, तो कंप्यूटर तो सिर्फ 0-1 को अंडरस्टैंड करता है, तो वो जो थोड़े बहुत कोड ऐड हो रहे हैं तो उसको भी कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। तो वो कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर यूज होता है, ट्रांसलेटर एक क्या यूज होता है आपके पास, असेंबलर यूज होता है, जो कि हमारी जो इन जो कोड्स है जो थोड़ा सा हमारी लैंग्वेज से सिमिलर होता है उनको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और कंप्यूटर जो है वो उसको फिर सॉल्व करके प्रॉब्लम को वापस उस असेंबलर के थ्रू कन्वर्ट करके हमें जो है वो प्रोवाइड करता है, और फिर हम उसका रिजल्ट जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। यानी कि मशीन एक लेवल अप है, लेकिन थोड़ा सा ये असेंबली लैंग्वेज मशीन अंडरस्टैंडेबल भी है और थोड़ा सा जो है वो नियर टू ह्यूमन बींग भी है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें हाई लेवल,
अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की. हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी कि हमारी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसे बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करता. यानी कि इसमें वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, प्रिंट का वर्ड हो गया, अगर आपने कोई प्रिंट चीज करवाएगा प्रिंट का वर्ड यूज करोगे, गो टू किसी स्टेटमेंट पर जाना गो टू, इफ एंड सारे जो है वो हमारे लैंग्वेज इंग्लिश वर्ड यूज हो रहे हैं जो कि हमारे लिए इजिली अंडरस्टैंडेबल है. लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि कंप्यूटर जो है वो जस्ट मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, तो इसके लिए हमारे पास ट्रांसलेटर यूज होता है. दो ट्रांसलेटर यूज होते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, जो कि हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर यानी मशीन लैंग्वेज में. फिर कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद अगेन उस कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है ट्रांसलेटर हमारी लैंग्वेज में, और फिर हम उसका रिजल्ट देखते हैं. देखना मतलब बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, लेकिन कंप्यूटर विद इन सेकेंड्स कर लेता है. अगर हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर के हम डिफरेंस की बात करें, तो हमारे पास कंपाइलर क्या करता है, कोई भी अगर मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ उसमें अगर 10 इंस्ट्रक्शंस है, तो वो एट अ टाइम 10 इंस्ट्रक्शंस का वो कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, और उसके बाद जो वो कंप्यूटर उसको जो वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि एट अ टाइम एज अ होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है. अगर इंटरप्रेटर की बात करें, तो इंटरप्रेटर इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट करता है, यानी कि लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को जो है वो कन्वर्ट करता है मशीन कंप्यूटर की लैंग्वेज में. और फिर जब कंप्यूटर से हमारे पास लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो, तो ये लाइन बाय लाइन करता है, और कंपाइलर जो है वो एज अ होल करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अब मैंने इंग्लिश वर्ड लिखा है तो ये मेरा अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन कंप्यूटर का अंडरस्टैंडेबल नहीं है. अब फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास ई है, ई के बैकएंड में कोड लिख दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ई इक्वल है 59 के, एन इक्वल है 69 के, और जी इक्वल है 48 के सपोज कर रहे हैं, ठीक है. ऐसे बकायदा जो है वो इंग्लिश के वर्ड्स को एक ऐसे डेसिमल वैल्यूज दी गई जिनको ASCII वैल्यूज कहा जाता है, इनको साइन की जाती है. अब जैसे ही मैं ई लिखती हूं, तो ई का मतलब है 59, सपोज कर रहे हैं 59 के इक्वल है, तो क्या होगा कि 59 में डेसिमल वैल्यू है, फिर 59 कन्वर्ट होगी 01 की फॉर्म में, जो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल मतलब के डिजिट्स हैं, और उसके बाद फिर कंप्यूटर क्या करेगा, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करके देन वापस कन्वर्ट करेगा, उसको जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा 01 की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा हमारी लैंग्वेज में, और देन हम उसको स्क्रीन में देखेंगे. तो हमारे पास बेसिकली देखने में स्टेप्स बहुत लॉन्ग है, लेकिन कंप्यूटर विद इन सेकंड्स जो है वो उसको सॉल्व करके देता है. अब 01 मतलब बाइनरी, यानी कि टू डिजिट्स, बाइनरी इक्वल, बाइनरी का मतलब है कि टू, तो हमारे पास 01 कौन से डिजिट्स है, बाइनरी डिजिट्स है. अब अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, तो हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास क्या होता है, प्रोसीजर लैंग्वेजेस होती हैं, स्ट्रक्चर होती हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती हैं. सबसे पहले हम प्रोसीजर की अगर बात करें, तो हमारे पास प्रोसीजर में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोग्राम लिखती हूँ जिसमें एडिशन भी हो रही है, सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, डिवीजन भी हो रही है, यानी कि तीन चार टास्क हो रहे हैं. अब यूजर है, उसकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ दो डिजिट्स को ऐड करके दो, तो क्या होगा कि मुझे पूरा प्रोग्राम रन करना पड़ेगा, और पूरा प्रोग्राम जब रन होगा तो एज इट इज सारे स्टेप्स को उसको कंप्यूटर तो एक मशीन है, उन सारे स्टेप्स को उसको एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा. अब वो एडिशन तो कर देगा, लेकिन इसके साथ साथ वो सब्ट्रैक्शन के स्टेप्स को भी फॉलो करेगा उसका, यानी कि वो भी टाइम लेगा. तो हमारे पास प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या होता है कि हर एक जो है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक ऑपरेशंस उनको अलग अलग कर लिया जाता है, यानी कि प्लस का एक अलग बना दिया जाता है ब्लॉक, सेपरेशन का अलग ब्लॉक बना दिया जाता है, और उसके बाद डिवीजन का अलग ब्लॉक बना दिया जाता है. उन जो अलग अलग ब्लॉक्स हैं उनको मॉड्यूल कहा जाता है, ठीक है. और यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम को शॉर्ट में बात करें, इन शॉर्ट में तो प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उन पार्ट्स को मॉड्यूल कहते हैं, और हर मॉड्यूल सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. यानी कि जब यूजर कोई आता है वो मुझे कहता है सिर्फ एडिशन मुझे चाहिए, तो क्या होगा कि सिर्फ एडिशन वाला मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा, बाकी जो सब्ट्रैक्शन वाला मॉड्यूल है या डिवीजन वाला मॉड्यूल है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, यानी कि वो रन नहीं होंगे. तो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली जो है वो आपके पास जो यूजर की रिक्वायरमेंट है वो मॉड्यूल जो है वो उसको साइन हुआ और वो रिजल्ट उसको जनरेट हो जाएगा, बाकी सारी जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रक्चर लैंग्वेज की. फर्स्ट प्रोसीजर, प्रोसीजर में हमारे पास क्या होता है कि एक प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी उन पार्ट्स को मॉड्यूल कहा जाता है, और जब किसी भी यूजर को कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना हो तो पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट रन करवाने की जरूरत नहीं है, बस स्पेसिफिक मॉड्यूल जो उसको असाइन किया जाता है और उसका जो है वो जो प्रॉब्लम है उसका जो है वो सोल्यूशन उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है. अब हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर में हमारे पास तीन तरह की चीजें आती हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन, रिपीटेशन.
अब हमारे पास क्या होता है सीक्वेंस में क्या होता है कि जब हमारे पास प्रोग्राम है एक लेट सपोज उसकी 10 उसमें 10 स्टेप्स लिखे हैं 10 इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है, वो सब जैसे स्टेप्स देंगे उसको एज इट इज उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या होगा जैसे मैं प्रोग्राम दूंगी तो जिस सीक्वेंस में वो स्टेप्स दिए होंगे उसी सीक्वेंस में वो स्टेप्स जो है उनको फॉलो करता जाएगा, उस प्रॉब्लम को उस स्पेसिफिक टास्क को जो है वो सॉल्व करता जाएगा, यानी कि उसमें से किसी स्टेटमेंट को वो स्किप नहीं करेगा। अगर 10 स्टेटमेंट है तो हर स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा और एक स्टेटमेंट को एक ही टाइम एग्जीक्यूट करेगा और किसी भी स्टेटमेंट को स्किप नहीं करेगा, और जिस सीक्वेंस में वो गिवन है उसी सीक्वेंस में वो जब उनको स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा देगा। ये हमारे पास हो गया सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी प्रोग्राम है वो सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर में रन कैसे होगा कि उसमें सारे स्टेप्स जिस सीक्वेंस में गिवन है उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है वो कंप्यूटर जो है वो उसको रन कर देगा। सेकंड बात आ जाती है सिलेक्शन की। सिलेक्शन क्या होती है, जब आप चाहते हो कोई कंडीशन लगा दी जाए, फॉर एग्जाम्पल इफ स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन, जैसे आपके पास पीछे आपने एल्गोरिदम किया फ्लो चार्ट किया, आपने जब कंडीशन लगा तो उसके नीचे आप दो जो है वो पैरेललोग्राम बना देते थे कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेप्स फॉलो करो, फॉल्स होगी तो ये करो, ट्रू होगी तो आपने जो एग्जीक्यूट करें तो दूसरे वाले स्किप करें, यानी कि एक साइड आपने स्टेटमेंट स्किप करो एक आपने जो एग्जीक्यूट करनी है, उस केस में सिलेक्शन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 तो उसको क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करा दो, शो करा दो पास, तो उसके नीचे एक और स्टेटमेंट गिवन होगी फेल वाली। अगर मैं सीक्वेंस वाला प्रोग्राम रन करूंगी तो क्या होगा, पास फेल दोनों जो है वो स्टूडेंट को डिस्प्ले हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हमें रिजल्ट नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट अगर पास है तो उसको पास रिजल्ट शो हो, अगर वो फेल है तो उसको फेल शो हो। तो इस केस में सिलेक्शन यूज होती है, यानी कि हम सिलेक्शन में क्या करते हैं, हम लोग कंडीशन लगा देते हैं और कंडीशन की बेस पे हम कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते हैं, या कंडीशन की बेस पे हम कोई स्टेटमेंट जो है वो स्किप करवा देते हैं, यानी कि सारे स्टेटमेंट प्रोग्राम की एग्जीक्यूट नहीं होती बल्कि कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो स्टेटमेंट जो उसके नीचे गिवन होती है वो स्किप कर दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिपीटेशन की। रिपीटेशन क्या होती है कि अभी मैंने बात की है कि कंप्यूटर जो है वो जिस स्टेप्स में उसको सीक्वेंस में उसको स्टेप्स दे दिए जाते हैं, अगर 10 स्टेप है तो वो हर स्टेप को एक बार एग्जीक्यूट करेगा, किसी को स्किप नहीं करेगा। अगर मैं चाहते हैं वो किसी स्टेप को मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करे तो उसके लिए हम रिपीटेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं अपना नाम है, अपना मैं नेम है, वो मैं चाहती हूँ कि 100 टाइम जो वो मुझे एक पेज पर प्रिंटेड फॉर्म में लिखा हुआ नजर आए, तो क्या होगा, मुझे 100 टाइम प्रिंट की कमांड देनी पड़ेगी, यानी कि 100 टाइम प्रिंट की कमांड दूंगी तो फिर मुझे वो जब वो मेरा नेम जो वो पेज पे प्रिंट फॉर्म में आएगा। चलो 100 इज नॉट टू टफ। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा नेम जो वो 1000 टाइम पेज पे लिखा हुआ है तो क्या होगा कि 1000 टाइम मुझे प्रिंट की कमांड जो वो प्रिंट की स्टेटमेंट जो है वो मुझे लिखनी पड़ेगी, इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देनी पड़ेगी, और 1000 टाइम जब लिखूंगी तो जाहिर सी बात है ह्यूमन बींग हूं तो मैं क्या होगा कोई ना कोई एरर भी कर सकती, कोई मिस्टेक भी कर सकती हूं और प्रोग्राम भी बहुत लॉन्ग मेरा बन जाएगा, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एरर आ जाता है तो उसको ढूंढने में, उसको रिकवर करने में, उसको फाइंड करने में, उसको रिमूव करने में भी मुझे टाइम लग सकता है। तो उसके लिए हमारे पास एक इजी टूल गिवन है कि हम एक ही स्टेटमेंट को 1000 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। जब एक ही स्टेटमेंट को हम 1000 टाइम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उसको कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में लूप कहते हैं। अब मैं क्या होगा कि एक मेरे पास ये मेथड है कि मैं 1000 टाइम प्रिंट की कमांड यूज करूं तो वो क्या होगा, मेरा प्रोग्राम बहुत लॉन्ग हो जाएगा और उसमें एरर भी आते हैं, उसके कंपेरिजन में मैं रिपीटेशन यानी कि लूप यूज कर लूंगी। तो लूप में क्या होगा कि मैं वो स्टेटमेंट प्रिंट वाली एक टाइम में लिख दूंगी और ऊपर मैं कंडीशन लगा दूंगी कि इस स्टेटमेंट को तुमने 1000 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट करना, 1000 टाइम तुमने जो है वो मेरा इस स्टेटमेंट को करना, जब 1000 टाइम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो 1000 टाइम जब वो मेरा नेम जो वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि मेरा प्रोग्राम जब एक स्टेटमेंट बार बार मैं नहीं लिखूंगी तो क्या होगा, मेरा प्रोग्राम भी शॉर्ट हो जाएगा और उसमें एरर के चांसेस भी कम होते हैं। अगर कोई एरर था तो उसमें कम, छोटे प्रोग्राम में एरर को ढूंढना भी मुश्किल नहीं होता, ईजी होता है। तो लूप इज बेसिकली फॉर रिपीटिंग द प्रिंटिंग स्टेटमेंट। अगर आप किसी को स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो क्या होगा कि आप उसको सिंपली लूप लगा दोगे और आपके पास वो स्टेटमेंट बार बार जो है वो रिपीटली एग्जीक्यूट होती रहेगी, आपका जो रिजल्ट आप जितना टाइम चाह रहे हो उसको डिस्प्ले करवा सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब स्टूडेंट हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया स्टूडेंट हो गया, व्हीकल हो गया, बिल्डिंग हो गया। अब स्टूडेंट है तो इससे रिलेटेड फर्दर जितनी डिटेल्स हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट सब्जेक्ट, वो सारे जो एट्रीब्यूट है जिसके पार्ट्स हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगे। यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट की डिटेल्स हैं, यानी कि उसके 10 एट्रीब्यूट्स हैं, 10 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके लिए मैं 10 वेरिएबल
टेबल्स बनाऊंगी तो क्या होगा, मेरे पास प्रोग्राम की वही बात आ जाती है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतने वेरिएबल्स को डील करना, इतने वेरिएबल्स को हैंडल करना भी मेरे लिए टफ हो जाएगा। तो क्या होगा कि मैं उन सबको एक ग्रुप बनाकर उसका एक मेन ऑब्जेक्ट बना दूंगी। अब ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट की जितनी फर्दर डिटेल्स है उन सबके वेरिएबल इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि मैं सिंपली एक ऑब्जेक्ट जो है वो रन करूंगी, उसको क्या होगा कि उसके अंदर जितनी भी उसकी एक्टिविटीज हैं वो सारी जो है वो उससे रिलेटेड, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड परफॉर्म हो जाएगी। बस स्टूडेंट स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज हैं वो सारी किसके अंदर आ जाएंगी, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर व्हीकल है तो व्हीकल से सारी जो रिलेटेड एट्रीब्यूट है सारे व्हीकल के अंदर आ जाएंगे। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दी जाती है और उस ऑब्जेक्ट की जितनी एक्टिविटीज है उसको उनके साथ अटैच कर दिया जाता है, और जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं वो सारे एग्जीक्यूट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है कि सिंपल है, बहुत ज्यादा हाई लेवल है, हम अपनी लैंग्वेज में इजीली हम लिख लेते हैं, फिर बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना, बहुत इजी हमारे लिए बहुत अंडरस्टैंड है। उसके बाद हमारे पास इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि हम जैसे इंग्लिश मिस्टेक करते हैं तो हम इंग्लिश मिस्टेक को फौरन से ठीक कर देते हैं, एज कम्पेयर टू अगर मशीन कोड में 01 में कोई मिस्टेक कर रहे तो उससे हमें ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है नॉट मशीन डिपेंडेंट। नॉट मशीन डिपेंडेंट कैसे है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मशीन लैंग्वेज की बात करें तो मशीन लैंग्वेज क्या होता है कि हर कंप्यूटर की अपनी अलग से मशीन लैंग्वेज होती है। अगर मैं एक कोड लिखती हूँ मशीन लैंग्वेज में अपने लैपटॉप में तो वो सिर्फ मशीन कोड मेरी कंप्यूटर की जो वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा, अगर वही कोड मैं किसी और कंप्यूटर में रन करने की कोशिश करूंगी तो वो उस कंप्यूटर में रन नहीं होगा क्योंकि हर कंप्यूटर की अपनी अलग से जो वो मशीन अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है। तो मुझे हर एक कंप्यूटर का, अगर 10 कंप्यूटर है तो 10 कंप्यूटर के लिए मुझे अलग अलग मशीन कोड लिखना पड़ेगा। तो आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो नॉट मशीन डिपेंडेंट, यानी कि आप एक कोड एक बार लिखते हो और आप जिस मर्जी सिस्टम में जाकर उसको रन कर लो, कंप्यूटर उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर लेगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ ट्रांसलेटर, यानी कि इसमें आप हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर तो जस्ट मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है और वो किसके थ्रू किया जाता है, ट्रांसलेटर के थ्रू। ट्रांसलेटर कौन कौन से, आपके पास असेंबलर है, असेंबलर क्या करता है असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, और अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो उसके बाद आपके पास कंपाइलर है, कंपाइलर एज अ होल पूरे कोड टू कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर हमारे पास लाइन बाय लाइन जो है वो प्रोग्राम की स्टेटमेंट को जो है वो कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है डिबगिंग। डिबगिंग क्या होता है, हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर आते हैं उन एरर्स को बग कहा जाता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में एरर को बग कहा जाता है, और एरर्स को फाइंड करना और उसको रिमूव करने के प्रोसेस को डिबगिंग कहा जाता है। और इसके बाद कंप्यूटर जो है वो आपके पास जो कंप्यूटर की जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये हाईली जो आपके पास स्ट्रक्चर्ड होती है, यानी कि आपके पास इजीली जो है वो आप इसको अपने लैंग्वेज में आप लिख लेते हो और आप जिस मर्जी है आपके उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना लो, मॉड्यूल्स बनाकर लिख लो, यानी कि आप इजीली आप उसके मॉड्यूल्स बना लो, आप लूप यूज कर लो, आप उसके ऑब्जेक्ट्स बना लो, आपकी अपनी मर्जी, यानी कि आप इजीली जो वो पूरे प्रोग्राम को अपनी मर्जी से जिस लैंग्वेज को यूज करते हुए आप उसे जो आपको आती है आप उसको फॉलो करते हो, आप अपने कोड को लिख लेते हो और प्रॉब्लम का जो वो सोल्यूशन फाइंड कर लेते हो। नेक्स्ट हम बात करें पॉपुलर हाई लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है C++। ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि नॉर्मली यूज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडो जो आप यूज करते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम कैसे बात करें तो आपके पास ग्राफिक्स भी गिवन है, आपके पास कोई आइकन बना होता है तो उसके नीचे आपके पास लेबल गिवन होता है, अगर आपके पास इतनी एजुकेशन है आप जस्ट आप माउस को मूव करते हो तो उसका नीचे पर्पज लिखा जाता है ऑब्जेक्ट का। तो आपके पास विंडोज वगैरह सारी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए उनकी कोडिंग जो है वो सी लैंग्वेज को यूज करते हुए की जाती है या C++ को। कंपाइलर बनाए जाते हैं, असेंबलर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि आपके पास एमएस ऑफिस, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट, गेम्स वगैरह की सारी जो कोडिंग है वो C++ यूज करते हुए की जाती है। नेक्स्ट हम अब वीबी की बात करें तो अगर हमने कोई ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट बनाना हो, ग्राफिकल यानी कि हमने फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स एड करनी है, कोई वीडियोज एड करनी है, कोई ग्राफिक्स का काम करना है तो उसके लिए वीबी यूज की जाती है। तो C# बेसिकली सिमिलर है सी और C++ के, इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा फैसिलिटीज ऐड कर दी जाती हैं। वेब एप्लीकेशंस जो इंटरनेट पर जितनी भी यूज होती हैं वो सारी जो है वो क्रिएट की जाती है, कोड की जाती है यूजिंग C#। गेम्स, यूटिलिटीज, ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं वो सारे जो है वो C# यूज करते हुए क्रिएट किए जाते हैं। इसके बाद अगर जावा की बात करें, C# में थोड़ा सा जावा का भी कोड, मतलब जावा के फंक्शंस भी ऐड होते हैं। और इसके अलावा जावा की अगर हम बात करें तो जावा सारी नेटवर्क कंप्यूटिंग है, इसमें क्या होता है कि
नॉर्मली जो वेब ब्राउजर्स हैं वो सारे जावा इनेबल्ड होते हैं, यानी कि जितनी भी वेब एप्लीकेशन जो वाइडली यूज हो रही हैं वो सारे जो करंट जितने भी आपके पास वेब ब्राउजर्स हैं वो सारे जावा बेस्ड होते हैं, यानी सारी जो कोडिंग होती है वो जावा बेस्ड होती है। क्लास अपने सारे टॉपिक्स याद करने हैं, इवन थोड़ा थोड़ा आपके पास स्लाइड में कंप्लीट डिटेल्स तो मैं नहीं लिख सकी, लेकिन ये मैंने टॉपिक सारे कवर किया, अपने बुक से सारे टॉपिक्स ये थॉरली रीड करने हैं और सारा याद करना। जस्ट स्लाइड में से जो 2-3 लाइंस में लिखी इनको याद करके नहीं बैठ जाना, बल्कि बुक से आपने इनकी कंप्लीट टॉपिक्स आपने याद करने हैं।